हेलो गाइस, स्वागत है आपका टेक्निकल जंगल। मैं पंकज जंगल आपका शो पे स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों, जब हम बात करने वाले हैं आईसीआईसीआई बैंक जो हमें पे लेटर का ऑप्शन देता है, वो हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या सबको मिलता है और कितनी हमें लिमिट मिल सकती है, इन सब के बारे में देखने वाले हैं। सो गाइस, वीडियो के साथ जुड़े रहिए। मैं पंकज जंगल और आप देख रहे टेक्निकल जंगल। चलिए शुरू करते हैं। जंगल के चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन को प्रेस कीजिए और आने वाले वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू। सो दोस्तों, सबसे पहले बात करें आईसीआईसीआई पेलेटर है क्या। दोस्तों, आईसीआईसीआई पेलेटर एक ऐसी फैसिलिटी है, एक ऐसा कैश आपको प्रोवाइड किया गया है जो आप यूज ले सकते हैं नॉर्मली हर जगह। यानी क्रेडिट कार्ड का अमाउंट है वो हर जगह पर यूज नहीं ले सकते, लेकिन आईसीआईसीआई का पेलेटर का अमाउंट अपने हर जगह यूज ले सकते हैं। बिल पे करने के अंदर, क्यूआर कोड स्कैन के अंदर, भारत क्यूआर के अंदर आप काफी जगह इसको यूज ले सकते हैं। लेकिन क्रेडिट कार्ड का जो अमाउंट है वो अपन स्वैपिंग मशीन होगी तभी यूज ले सकते हैं या फिर बिल पेमेंट के अंदर कर सकते हैं। लेकिन जहां क्यूआर कोड स्कैन करना हो वहां हम कम यूज ले सकते हैं। लेकिन आईसीआईसी का ये प्लान बहुत ही अच्छा है और बहुत ही जल्दी यूज होता है। इसके अंदर दोस्तों ये यूपीआई के द्वारा पेमेंट करता है। अगर दोस्तों आपके पास आईसीआईसी का सेविंग अकाउंट है तो आप देख सकते हैं कि आपको ये फैसिलिटी मिली है या नहीं मिली। दोस्तों, आईसीआईसी पेलेटर को देखने के लिए सबसे पहले हमें आईसीआईसी मोबाइल के एप्लीकेशन या वेबसाइट पे जाना होगा। हम चलते हैं एप्लीकेशन की ओर। दोस्तों, इसके अंदर आपको एक ऑप्शन दिखता है पेलेटर का जो आप कॉर्नर के अंदर दिख रहा है, इसको हम जब ओपन करते हैं। मैंने ऑलरेडी अकाउंट ओपन कर रखा है। अगर आप नहीं ओपन कर रखे होंगे तो आपको एक लिमिट मिल जाएगी ओनली फॉर डॉक्यूमेंट जो आपके बैंक में अपलोड किए हुए हैं या बैंक वालों को दिए हुए, उस उन्हीं के द्वारा आपको एक लिमिट प्रोवाइड कर दी जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों, इसके अंदर आप एक यूपीआई आईडी सेट कर सकते हैं जिसके द्वारा आप हर जगह कहीं भी पेमेंट कर रहे हैं तो वो आईडी के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं आईसीआईसीआई पेलेटर काम कैसे करता है। जब आप कोई भी एप्लीकेशन के अंदर पेमेंट करते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसके अंदर आपको एक ऑप्शन दिखता है यूपीआई का। यूपीआई के अंदर आपको इसके अंदर एक यूपीआई आईडी सेट की जाती है पेलेटर के अंदर, जो हमें यहाँ पेस्ट करनी होगी। जैसे हम पेस्ट कर लेते हैं आईडी को, उसके बाद जैसे पे का ऑप्शन करेंगे तो आपके मोबाइल पे एक मैसेज आएगा कि ये बंदा इतना पेमेंट आप कर रहे हैं, आप देख लीजिए। अगर आप ये सही है तो एप्लीकेशन को ओपन कीजिए और कंफर्म कीजिए। जब आप एप्लीकेशन कंफर्म करते हैं तो एक पासवर्ड होता है, जो आपका जो एप्लीकेशन का पिन है वही उसका पासवर्ड होता है। जब आप उसे क्लिक कर देते हैं तो वो पेमेंट वहां से उस वेबसाइट पे ट्रांसफर हो जाता है और इस पेमेंट को हमें लमसम 30 से 45 दिन के अंदर वापस देना होता है। तो बहुत ही अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है दोस्तों ये आपको एक, और जो लिमिट ये प्रोवाइड करता है ये आपके सिविल स्कोर पे, आपके स्टेटमेंट पे डिपेंड करता है आपको कितनी लिमिट प्रोवाइड करेगा। जैसा कि मुझे इसने 20,000 की लिमिट प्रोवाइड की है, तो बहुत अच्छी तरह हम यूज ले सकते हैं। इसे कैश के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं और इस अमाउंट को हम नॉर्मली यूज हर जगह ले सकते हैं। अगर हमें कैश की जरूरत है तो हम किसी को यूपीआई पेमेंट करके उससे कैश ले सकते हैं। तो काफी अच्छी फैसिलिटी है दोस्तों, आप इसे यूज ले सकते हैं। अगर आपके पास आईसीआईसीआई का अकाउंट है तो आप इसके अंदर लॉगिन कीजिए और देखिए कि आपको ये फैसिलिटी मिली है या नहीं मिली, और मिले कितनी लिमिट मिली मुझे जरूर बताइएगा कमेंट के अंदर। सो दोस्तों, आप समझ गए होंगे आईसीआईसीआई पे लेटर के अंदर जो आपको लिमिट मिली है कैसे यूज ले सकते हैं और कैसे आप वो लिमिट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप आगे हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, क्योंकि वैसे फाइनेंस के रिगार्डिंग वीडियो डे टू डे लाते रहते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।